फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैटरनिटी ब्रा आखिर होती क्या है, मैटरनिटी ब्रा और एक साधारण ब्रा में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके यूज करने के आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और अगर इसको आप यूज नहीं करते हैं तो क्या क्या आपको नुकसान भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इसको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं इसके साथ, और आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं इसे। एक अच्छी क्वालिटी की मैटरनिटी ब्रा आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर उससे पहले मैं किरण कश्यप आप सबके लिए वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बताऊंगी जो कि एक गर्भवती महिला को अपने बारे में पता ही नहीं होता है, उनको कोई नॉलेज देने वाला भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिससे हमारी कुछ बहनों की हेल्प भी हो जाएगी। और इन सब के साथ एक खुशखबरी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी कि मेरा चैनल पिछले 6 महीनों में मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था और आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया है। जो प्यार आप सपोर्ट मुझे मेरे चैनल पर देते हो, जो प्यार और सपोर्ट मुझे आप मेरे चैनल पर देते हो, अगर आप वो नहीं देते तो मेरा ये सपना कभी साकार नहीं हो पाता। आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए ताकि मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैटरनिटी ब्रा आखिर होती क्या है। एक्चुअली मैटरनिटी ब्रा कॉटन की बनी होती है। इसके शेप, इसका शेप, इसका कप साइज भी बड़ा होता है, और इसमें स्ट्रैप्स भी चौड़े चौड़े होते हैं जो आपको पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इसमें अलग अलग तरह की इलास्टिक का यूज़ किया जाता है जो आपकी स्किन पर जरा से भी निशान नहीं पड़ते, तो ये आपकी स्किन फ्रेंडली होती है, इसलिए ये आपके लिए हमेशा बेटर है। अक्सर महिलाओं के साथ क्या होता है कि वो पैसे बचाने और कंफर्ट के चक्कर में ही अपने रेगुलर ब्रा को भी प्रेगनेंसी में यूज़ करती रहती है, बट उसका उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में आपका कप साइज बढ़ता है, जिससे नेचुरल जो ब्रा होती है, जिससे नॉर्मल जो ब्रा होती है वो आपके कप साइज को सपोर्ट नहीं दे पाती, इसमें आपको सैगिंग ब्रेस्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली, और हमेशा आप इनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं उस ब्रा के अंदर। तो होना क्या चाहिए कि एक मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल ब्रा और एक फीडिंग ब्रा में क्या क्या डिफरेंस होता है। ब्रा में सिर्फ 2 से 3 हुक लगे होते हैं, जबकि एक फीडिंग ब्रा में 3 से 4 तरह के पैचेस लगे होते हैं जिसमें आप अपने अनुसार उसे ढीला या टाइट कर सकते हैं। एक नर्सिंग ब्रा आप फ्रंट ओपन होती है जो कि नीचे से ऊपर की साइड भी हो सकती है, साइड से भी ओपन हो सकती है, तो ये आपको बच्चे को दूध पिलाने में बहुत कंफर्टेबल। ब्रा की हम बात करते हैं तो उसमें हुक सिर्फ पीछे की तरफ लगे होते हैं और हमेशा ही आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे काफ़ी इनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं। यहाँ पर अगर एक नॉर्मल ब्रा की बात करूँ तो ये सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है जो जल्दी से सूखती भी नहीं है और पहनने में बहुत अनकम्फर्टेबल। अगर हम मैटरनिटी ब्रा की बात करें तो ये कॉटन की बनी होती है जो बहुत जल्दी सूख जाती है और पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है, जो आप ऑल डे पहन भी सकते हैं। अगर हम साधारण ब्रा की बात करें तो इसमें बड़े कप साइज मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर यहीं पर हम मैटरनिटी ब्रा की बात करते हैं तो इसमें EFG तक भी आप कप साइज खरीद सकते हैं। स्पेशली उन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है जो महिलाओं के स्तनों को अच्छे से सपोर्ट करता है। तो मैटरनिटी ब्रा जहां पहनने में कंफर्टेबल होती है वहीं पर अट्रैक्टिव लुक भी आपको देती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैटरनिटी ब्रा पहनने के क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हुक्स लगे होते हैं, पैचेस लगे होते हैं, तो आपको इनको छोटा बड़ा लूज या टाइट कैसे भी आप पहन सकते हैं जो आप भी आपको कंफर्टेबल के हिसाब से हो। नंबर 2, मैटरनिटी ब्रा के कप साइज बड़े होते हैं, इसका बीच का हिस्सा ज़्यादा गहरा होता है और इसके स्ट्रैप्स भी काफ़ी चौड़े होते हैं जो आपके ब्रेस्ट को बहुत सपोर्ट कर बहुत कंफर्टेबल होती हैं। बाद में आपको बता रही हूँ कि मैटरनिटी ब्रा कॉटन की बनी होती है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल और इसके स्टेप्स में एक अलग तरह के इलास्टिक का यूज़ किया जाता है जो आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई निशान कोई भी दबाव नहीं बनाता है, तो ये स्किन फ्रेंडली भी। बाद मैं आपको बताती हूँ कि सही ब्रा ना पहनने के आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सही साइज़ की ब्रा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही साइज़ की ब्रा नहीं पहनेंगे तो आप चूज़ हैं उन पे बहुत फर्क पड़ता है और ब्रेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि आपको दूध की जो ग्रंथियाँ बनती हैं वो भी बनने में रुकावट पैदा करता है और बच्चा होने के बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
ब्रेस्ट फीडिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप गर्भावस्था में मैटरनिटी ब्रा नहीं पहनते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट को जो है सपोर्ट नहीं मिलता, काफ़ी तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, और अगर इस टाइम लापरवाही की जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। तो अब मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि क्या यह है, ये प्रेगनेंसी में सही ब्रा का चुनाव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। में आप हमेशा एक सही ब्रा का चुनाव ही अपने लिए करें, और इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ये सब उनमें देख कर आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि गर्भ में मैटरनिटी ब्रा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह मैटरनिटी पैंटी के बारे में भी आपने सुना होगा जो आपके गर्भ को सपोर्ट करती है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही आपको अपनी पैंटी भी स्विच कर लेनी चाहिए। मैटरनिटी ब्रा कुछ इस टाइप की होती है, इसके स्ट्रैप्स बहुत चौड़े होते हैं और ये इजी टू यूज़ होती है। यहाँ से खोल के अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं और यहीं से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। ये साथ ही ये है मैटरनिटी पैंटी, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जो आपके गर्भ को सपोर्ट करे। ये ट्राइमेस्टर के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट अगर आप एक मैटरनिटी पैंटी का यूज़ करते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी खुशियों में बदल सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैटरनिटी ब्रा और पैंटी अगर आप परचेज करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं। गूगल पे तो आप देख ही सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर आपको कम प्राइस में या आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहती हैं इसका, या फिर आप किसी अपने के लिए खरीदना चाहती हैं, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आप बहुत कम प्राइस में ही इसको आप परचेज कर सकती हैं। मार्केट में अगर जाएंगे तो 300-350 से स्टार्टिंग है। अगर आप उस लिंक से परचेज करेंगे तो आपको बहुत डिस्काउंट के साथ ही ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहती है तो बिजनेस भी कर सकती है, और अपनों के लिए खरीद कर देना चाहती हैं, गिफ्ट करना चाहती हैं किसी अपने को, तो आप वो भी कर सकती हैं। यही था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मेरे आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। तो अभी के लिए चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ओके।